कृष्णाय कृष्ण भक्ताय श्री श्रीमद भक्ति वेदांत चल श्रीधर गोस्वामी महाराज की श्री चरण कमल मानंद कोटि साष्टांग दंडवत पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनके विधि कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव वैष्णवी नामाचार्य नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर सबकी चरण वृंदम की यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार। श्रील गुरुदेव के अनुगत्य में हम लोग जिस स्थान में उपस्थित हुए हैं ये है नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की समाधि पीठ। ये हरिदास ठाकुर थे कौन बोलते ये आदि गुरु ब्रह्मा यही महाप्रभु की लीला को पुष्टि करने के लिए हरिदास ठाकुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। बोले कि कहाँ आदि गुरु ब्रह्मा जो हमारे ब्रह्मा माधव गौड़ संप्रदाय के जो मूल आदि गुरु है और ये जवन कुल में उत्पन्न हुए कि हरिदास ठाकुर के रूप में क्यों आए। इसलिए कि अच्छे से बात सुना जो लीला श्रवण करते हैं जब ब्रह्मा जी का भगवान को कृष्ण के जो परीक्षा करने के लिए जब आए थे बोले कि वास्तव में भगवान है तो एक अद्भुत दृश्य देख रहे भगवान क्या कर रहे ना पुलिन भोजन कर रहे सारी सारी सौखाओं के साथ ये क्या कर रहे थे ना कृष्णचंद्र वन में भोजन कर रहे थे। तो उस समय ब्रह्मा जब आके दर्शन करे अरे ये कैसा भगवान है भगवान का क्या क्योंकि ब्रज में तो ऐश्वर्य की लेस मात्र गंध भी नहीं है। इधर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं ना जितने सारे शौखा चारों तरफ बैठ गए राउंड करके और बीच में कृष्णचंद्र और कृष्ण जो अच्छे चीज खुद खाते हैं और दूसरे को भी वही झूठा चीज खिलाते हैं। अरे अभी ब्रह्मा जी देख के तो बोले ये कैसा भगवान है हाँ कहाँ वैकुंठ धाम में जो बैठते है आलड़ व्यंजन होता है इतना ऐश्वर्य लक्ष्मी पाद संवाहन इत्यादि करते है अरे इधर ये क्या करे ना दूसरे के झूठन को खा रहे ये भगवान हो नहीं सकते। और ऐसे तरह की बात आता है कि महाप्रभु कृष्ण का एक सखा थे जिसका नाम है क्या ना एक सखा थे वो अत्यंत गरीब थे। तो जब गोचारण के लिए ये आते थे कृष्ण तो सबकी जो माताएं थे वो तो कुछ कुछ खाने के लिए देते थे पर उनके घर में इतना कुछ नहीं था इसलिए वो कुछ दे नहीं पा रहे थे। तो कृष्ण क्या करते थे ना सबको उसी जो अपने के लिए जो माँ यशोदा माता ने और नैना माता जी गोपी लोग जो भेजते थे उसको ही प्रसाद पाते थे। तो एक बार कृष्ण तो सबका प्रसाद बोल खाते वो कुछ देते नहीं। तो एक बार कृष्ण बोला अरे मैंने सबका खाया तुम्हारे तो खाया नहीं तुम क्या तुम्हारा माता जी ने क्या दिया है अभी लाओ। तो वो तो कुछ लाया नहीं और घर के पास में ही तो फिर कृष्ण ने क्या किया ना फिर वो घर पास में था इसलिए घर चला गया और माँ को बोला कि माँ आज कृष्ण बोला कुछ खाने के लिए आप कुछ खाने के लिए दो। तो फिर उस समय क्या हुआ ना फिर ब्रह्मा जी से देख के जो झूठन को खिला रहे थे भगवान जी ठाकुर जी तो इस चीज़ को देख के उनका क्या हो गया ना ये मर्त्य बुद्धि हो गया जिसके कारण भगवान ने क्या किया पहले जितने सारे बछड़े थे उसको तो हरण कर लिए और दूसरे के बाद क्या किया जब कृष्ण ने उसको ढूंढने के लिए गए बछड़े को तो फिर क्या किया ना आगे सारी सारी सखा लोगों को ले गए। तो कृष्ण जब आके देख रहे ना बछड़ा मिले ना सखा मिले
इसलिए कृष्ण ने जब ध्यान लगा के देखे कि क्या ना ब्रह्मा जी ने ऐसा सारी सारी कार्य किए हैं, तो ब्रह्मा फिर जब सारी सारी बात उनको पता चला, भगवान की चरण कमल में आकर प्रार्थना मांगी, गिर गिड़ाए कि प्रभु मैं जो अपराध किया हूँ इसलिए मैं तो क्षमा प्रार्थन्य नहीं हूँ, प्रभु फिर भी आप क्या करो ना मुझे क्षमा करो। तो भगवान ने तो इंद्र के प्रति जो ब्रह्मा जी के प्रति देखे ही नहीं, बोले क्यों, जब इंद्र भी ऐसे कुछ क्रिया किए थे भगवान जिसके कारण गिरिराज को धारण किए, उसमें क्या हुआ ना वैष्णव के साथ विशेष रूप से ब्रजवासियों के साथ भगवान की मिलन हुआ, और ब्रह्मा जी जो ब्रह्मा जो लीला की इसके द्वारा क्या हुआ ना अपनी वैष्णव जो निज जन उससे क्या कि मतलब विच्छेद हुआ है, विरह हुआ है, इसलिए भगवान बोले कि ये अपराध को तो मैं कभी खंडन नहीं कर सकता हूँ, और हाँ अगर खंडन करूँगा तो ठीक है आपने क्या किए ना गौ को हरण किए, गाय के बछड़ा को हरण कौन करते है, बोले मुस्लिम लेच, इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मैं जो गौरव लीला में गौर लीला में जब आऊँगा गौर अवतार ग्रहण करूँगा तुम उस समय क्या जवन कुल में ही उत्पन्न होना, तो इसलिए ये हरदास ठाकुर क्या किए ना जवन कुल में उत्पन्न होके क्या किए ना अवतीर्ण हुए थे, बोले प्रहलाद जो है ना दैत्य कपि हनुमान सही मत हरिदास नीच जाति नाम, कि प्रहलाद महाराज जितने भी भगवान के भक्त है दैत्य कुल में उत्पन्न हुए, हनुमान जी भगवान की परम भक्त फिर भी ये क्या ना बानर कुल में उत्पन्न है, बोले सही मत हरिदास नीच जाति नाम, इसलिए हरिदास ठाकुर क्या ना नीच कुल में उत्पन्न हुए। तो यह नामचर्य हरिदास ठाकुर भगवान जितने सारे भक्त थे उनके द्वारा एक एक चीज को वो स्थापन किए, जितने भी सारी सारी सर्वसमर्थ है फिर भी एक ही द्वारा महाप्रभु एक तत्व को प्रकाशित किए, जैसे श्री रूप गोस्वामी क्या रस तत्व को स्थापन किए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा वैराग्य को दिखाए इस जगत में, और सनातन गोस्वामी सिद्धांत तत्व को, ठीक उसी तरह ये हरिदास ठाकुर के द्वारा महाप्रभु ने नाम को महिमा को प्रकाशित किए। तो ये नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर महाप्रभु लीला में विभिन्न विभिन्न लीला को पुष्टि कर रहे थे, ये विशेष स्थान है कि समाधि, तो ठीक निश्चित रूप से यहाँ में क्या है ना महाप्रभु के जो अनुगत हरिदास ठाकुर उनका निर्याण लीला को श्रवण करेंगे, तो जब महाप्रभु अंतिम लीला विलास करने के लिए जा रहे थे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को ये चीज़ पता चला, तो इसलिए वो क्या किए ना महाप्रभु जब एक बार प्रसाद भेजे थे गोविंद के द्वारा, तो उसको वो सेवा ना मतलब ग्रहण ना करके बस प्रणाम के एक कणा उनको मुख में लेके उसका सम्मान किए, तो उसी समय गोविंद आके तो महाप्रभु को बोलते कि महाप्रभु आज तो हरिदास ठाकुर प्रसाद सेवा किए नहीं, तो दूसरे दिन महाप्रभु का नियम था रोज रोज क्या करते थे ना पहले जाते थे ये समुद्र में स्नान करने के लिए, उसके बाद शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर का दर्शन करते थे, उसके बाद आके महाप्रभु का दर्शन करके फिर गौर गांव बैठा लौट देते थे, उस दिन फिर वैसा ही करके जब हरिदास ठाकुर के पास उपस्थित हुए तो देखिए क्या हरिदास ठाकुर क्या कर रहे ना मंद मंद में नाम कर रहे, उनको प्रश्न किए हरिदास ठाकुर आप प्रसाद क्यों नहीं लिए, बोले कि महाप्रभु मुझे तो व्याधि हुआ है रोग हुआ है, तो महाप्रभु पूछे तुम्हारे क्या व्याधि है, बोले कि संख्या पूर्ण ना होना ही मेरा व्याधि है, तो महाप्रभु उनको बोलते कि तुम तो सिद्ध हो ये साधन में इतना प्रयत्न क्यों कर रहे हो, नाम को इतना करते हो 3 लाख रोज नाम करते हो तो अभी बाध्य की समय थोड़ा कम कर दो संख्या, बोले कि ये प्रभु ऐसा संभव नहीं हो सकता, मैं तो चाहता हूँ छोड़ने के लिए नाम को मगर नाम मुझे नहीं छोड़ पाता है, ये जीवा अपना आप स्मरण होता है इसलिए मैं समर्थ नहीं हूँ। तो फिर हरिदास ठाकुर विशेष रूप में अपनी इच्छा को प्रकट करें कि प्रभु मैं अभी आगे आपकी लीला को दर्शन कर रहा था कि आप ज़्यादा समय और प्रकट लीला नहीं करोगे, प्रभु मेरा एक प्रार्थना आपके चरण में, बोले क्या प्रार्थना, बोले कि प्रभु कि मैं आपके अप्रकट लीला को दर्शन करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपसे पहले मेरा शरीर जैसे पतित हो जाए मतलब अप्रकट में पहले ही आपके शरीर त्याग करना चाहता हूँ। तो विशेष रूप में 3 वांछा को हरिदास ठाकुर बोले कि क्या न हृदय धरि मु तुमार चरण कमल नयने देखिमु तुमार उचंद वदन मुखे उचारिबु तुमार श्री कृष्ण चैतन्य नाम यही मत इच्छा मोर छाड़ीबु पराण। 3 वांछा को प्रकट करे हरिदास ठाकुर बोले कि प्रभु मेरा अंतिम समय 3 इच्छाएं मेरा पूर्ण कर देना, बोले क्या ना हृदय धरिमु तुम्हारे चरण कमल, हे प्रभु मैं जब अप्रकट शरीर त्याग करूँगा उसमें आपकी चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापन करना चाहता हूँ, एक दूसरा नयन देखिबू तुम्हारे उचांद वदन, हे प्रभु आँख में मैं तुम्हारा चंद्र वदन को दर्शन करना चाहता हूँ, दूसरा तीसरा न
ना मुख्य उच्चारी हुए तो माँ श्री कृष्ण चैतन्य नाम, आपकी जो भगवत जो नाम है भगवत श्री कृष्ण चैतन्य उसको उच्चारण करके मैं शरीर त्याग करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे जो वांछा को प्रकाशित किए महाप्रभु तो पहले दुखी हुए, बोले कि तुम मेरा लीला में इतने सहायक करने वाला, तुम अगर मुझे छोड़ के चले जाओगे मेरा लीला कैसे पुष्टि होगा। बोले कि प्रभु पिपली का मैले की वा पृथ्वी हानि हो, अगर एक चींटी पृथ्वी से चला जाए तो कुछ हानि होता है क्या? तो आपकी लीला को पुष्टि करने के लिए कितने कितने सारे पार्षद है, मैं उसमें एक चींटी के सदृश हूँ, तो आपकी लीला में कुछ हानि पहुँचाएगा नहीं प्रभु, मेरा ये जो बांछा है इसको आप पूर्ण कर लो। तो महाप्रभु ने बोली कृष्ण अवश्य तुम्हारा वांछा को पूर्ण करेंगे। दूसरे दिन सारे सारे भक्त लोग को लेके महाप्रभु क्या कर रहे ना, आके हरदास ठाकुर के ऊपर जो सिद्ध बकुल मठ में आके उपस्थित हुए भजन कुटीर में, और महाप्रभु क्या किए ना नृत्य कीर्तन शुरू कर दिए। बोले कैसा नृत्य कीर्तन, जहाँ भक्ति स्वरूप पंडित, बोले कि 48 घंटे कीर्तन करने के बाद महाप्रभु प्रार्थना करते प्रभु ये तो थोड़ा सा हुआ, और गंधर्व भगवान मुझे प्रदान करो, मैं नृत्य करना चाहता हूँ उनके साथ में। और गायक मुकुंद उस समय उपस्थित थे, स्वरूप दामोदर राय रामानंद स्वयं अभिन्न बलदेव प्रभु अभिन्न उनके जो कायव्य बलदेव प्रभु सब उपस्थित थे। सारे सारे भक्त लोगों के साथ महाप्रभु ने नृत्य विलास किए और अंतिम में आके हरदास ठाकुर के सामने उपस्थित हुए। और हरदास ठाकुर की जो अंतिम इच्छा था क्या ना, हृदय धरिमु तुम्हार चरण कमल। महाप्रभु जो उपस्थित हुए हरदास ठाकुर क्या किए ना, महाप्रभु के चरण कमल को अपने हृदय में धारण किए, महाप्रभु के मुख कमल को दर्शन किए, और अंतिम में क्या किए ना श्री कृष्ण चैतन्य उच्चारण करके नामांजलि श्री हरदास ठाकुर नामेर सहित शरीर करिलो उत्क्रमण, नाम की सहित क्या किए ना शरीर को त्याग किए। तो ऐसा ही जब शरीर को त्याग किए सारे सारे भक्त तो अत्यंत दुखी हुए, बोलते कि महाप्रभु बड़ा प्रसन्न हो गए, बोले ये क्या अद्भुत दिला, हरदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त अप्रगट हो रहे महाप्रभु प्रसन्न क्यों। बोलिए आज बहुत दिन की जो संचित वांछा आज पूर्ण होगा, किस कारण, बोले नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर थे जबनपुर में, तो अत्यंत दीनता वश तो महाप्रभु क्या करते थे उनको जोरदार आलिंगन करते थे, और हरदास ठाकुर कभी उनको स्वेच्छापूर्वक आलिंगन नहीं करते थे, इसलिए हर समय दूर दूर रहते थे, और महाप्रभु तो दृढ़ आलिंगन करते थे। और आज महाप्रभु इसलिए प्रसन्न हो गए कि क्या ना आज हरदास ठाकुर को आलिंगन करने का बड़ा सुजोग प्राप्त होगा, इसलिए अप्रकट बात महाप्रभु क्या कि हरदास ठाकुर को शरीर को खुद गोद में लिए, अभिन्न जो कलेवर महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु को उनके शरीर को प्रदान नहीं किए, उनको धारण करके महाप्रभु नृत्य विलास किए। अंतिम में क्या उनको एक पालिंगी में बिठा के समुद्र में स्नान कराए, बोले कि महाप्रभु तो महावदान्य है, मगर नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर के प्रयाण में महाप्रभु इतने वदान्य हो गए कि उनको महावदान्य भी कहा जाएगा। क्यों, बोले इतने चीज महाप्रभु प्रदान किए, ये कोई साधारण मतलब चीज नहीं है। महाप्रभु पहले जब हरदास को स्नान करे था समुद्र में, बोले कि ये तो तीर्थ था, आज हरदास ठाकुर की चरणामृत बन गए, इसके कारण तुम आज से महातीर्थ बन गए। तो महाप्रभु पहले प्रदान किए महातीर्थ उपाधि तीर्थ को मौजा देखो। उसके बाद इस स्थान में महाप्रभु क्या किए ना लाए, और सारी सारी भक्तों के द्वारा जिस प्रकार वैष्णव जो विधि है उसके द्वारा महाप्रभु क्या किए ना उनको हमें समाधिस्थ कराए। समाधिस्थ कराने के बाद फिर स्वयं महाप्रभु त्रिभुवन की कर्ता लक्ष्मी जिसका पाद संवाहन इत्यादि करते, वो क्या किए ना नामाचार्य हरदास ठाकुर के लिए स्वयं मंदिर में जाते हैं और वहाँ जाके भिक्षा करते हैं। भिक्षा करके सारी की सारी महाप्रसाद ला के बड़ा उत्सव करते हैं। तो आज तक भी वैसा प्रथा प्रचलित है कि नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जो निर्याण तिथि में हमें प्रसाद का बड़ा एक महत्व है। सारे के सारे लोग पूरी के लोग यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए बड़ा भीड़ जमता है। इधर दोपहर में प्रसाद होता है और रात में भी प्रसाद होते हैं, क्यों महाप्रभु यही निर्याण तिथि में महाप्रसाद करवाए थे। तो जब श्री महाप्रभु ने सारे के सारे भक्त लोगों को इधर बुलाए और स्वयं महाप्रभु खुद क्या किए ना परिवेषण करने के लिए बैठ गए, और परिवेषण जो कर रहे थे तो सारी सारे भक्त लोग तो कोई प्रसाद सेवा नहीं कर रहे, तो महाप्रभु ने क्या किए फिर स्वरूप दामोदर इत्यादि जो भक्त लोग क्या किए प्रभु आप बैठो, फिर सारे सारे लोग ही प्रसाद पाए। तो फिर महाप्रभु खुद बैठे और जो प्रसाद भिक्षा में लाए थे सारे सारे भक्त लोगों को दिए, और इस प्रकार इस स्थान की महिमा है। तो महाप्रभु आज भक्ति में बोलते कि नामाचार्य हरदास ठाकुर की इतने महिमा है कि इनके जो समाधि जो लीला में जो लोग आके क्या किए यहाँ में नृत्य कीर्तन किए, जो लोग इधर प्रसाद सेवन किए, जो लोग उनके समाधि में बालू थोड़े में प्रदान किए, उनको क्या होगा ना जो शुद्ध कृष्ण भक्ति उनको प्राप्त होगा। तो महाप्रभु इतने
वहाँ उस समय बदान्य हो गए। और महाप्रभु अंत में बोलते हैं कि हरिदास आछिलो पृथ्वी शिरोमणि जहाँ बिना रत्न शून्य है लो पृथ्वी। बोलते हैं कि हरिदास कौन थे, बोले कि शारीरिक सारी पृथ्वी क्या, ये क्यों ना शिरोमणि बड़ा अमूल्य रत्न थे और इनके बिना तो ये सारी पृथ्वी क्या रत्न शून्य हो गया अभी। तो ऐसा ऐसा नाम है जैसे हरिदास ठाकुर की महिमा, ये उनके समाधि पीठ है, उनके चरण कमल में प्रार्थना करेंगे, वो जैसे नाम के रस को आस्वादन किए, एकांत रूप में हर समय दीनता को प्रकाशित किए, हमारे प्रति कृपा करें, हम भी उनके प्रति दीनता ऐसा दीनता हमारा अंदर आए और नाम में विशेष रुचि उत्पन्न। शमशान कहते हैं, लेकिन शमशान अगर कोई जाए ना हम स्नान करते हैं, अगर कोई मुर्दा घाट में जाए तो क्या होता है, हमें घर में जा करके स्नान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर उनके समाधि में हम आकर के बैठ रहे हैं, उनका परिक्रमा कर रहे हैं, उनका हम प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं समाधि। मरने के बाद जब वैष्णव को जहाँ पर समाधि देते, समाधि मतलब क्या, बोले समा ही जहाँ पर अपना बुद्धि को संपूर्ण रूप में भगवान की चिंतन में जा डुबो देते, इसलिए आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि जो का ये अंतिम स्थिति है, ये समाधि। इसका मतलब है अभी भी हरिदास ठाकुर जी यहाँ बैठ करके नाम रस को आस्वादन कर रहे हैं, तभी तो आकर के प्रणाम करके बोलते हैं ना, ठाकुर जी आप जैसे हरिनाम किया, आपका जैसे हरिनाम में रुचि था, अब हम सबको पर में कृपा करो, हमारे भी हरिनाम में रुचि हो, तब बैठे हुए तभी तो हम बोल रहे हैं। इसलिए कहते न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानाम, वैष्णव का जन्म कर्म है नहीं, वो अप्राकृतिक है। और जब महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को उन्होंने समुद्र में स्नान कराया, तो महाप्रभु कहते समुद्र तुम केवल तीर्थ था, लेकिन इनकी स्पर्श से अभी तीर्थ नहीं, अभी महातीर्थ है। लेकिन हमारे देश में क्या करते, मरने के बाद अगर उसको कोई छू दिया ना, हम उसको स्नान करते, केवल इतना नहीं, जब वो सबको शमशान घाट में ले जाते हैं, उनको साथ में जितने लोग जाते हैं उसको भले ही छुए नहीं, उनको घर में ऐसे नहीं पहले स्नान करके फिर घर में स्नान। लेकिन वैष्णव का शरीर कितना अप्राकृतिक से दिव्य है, महाप्रभु कह रहे हैं समुद्र को, समुद्र को नहीं पृथ्वी का सारे तीर्थ जिसमें आकर के प्रवेश करते हैं, ये समुद्र है सारे तीर्थ, और ये जो स्थान है ये तो स्वर्ग द्वार है, विशेषकर इसका बड़े महत्व है, जहाँ पर जगन्नाथ जी आकर के उनका हाँ उनका आकर के जहाँ पर लगे थे, ये इतने पवित्र स्थान है। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं तुम आज तक तीर्थ था, लेकिन इनकी स्पर्श से तीर्थ नहीं, आज से तुम महातीर्थ होला, तुम सबसे बड़ा तीर्थ तुम आज से बन गया। मतलब वैष्णव का शरीर का कितना महत्व है, इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ठाकुर वैष्णव पद भाई भैया एक मन, कहते तीर्थ जल पवित्र गुण लिखिया छे पुराणे से सब भक्ति का प्रवचन। शास्त्र में जो कहते तीर्थ जाओ उसमें स्नान करो पवित्र होंगे, नरोत्तम दास ठाकुर के तो वंचना है, लेकिन वैष्णव और पादों तक तो समान है, यही सब वैष्णव को जो चरणामृत है इनको साथ में पृथ्वी का किसी नदी का पानी को भी बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोले तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि सान्त्वस्तेन गदा गतम, कहते वैष्णव लोग सख्या तीर्थ स्वरूप, फिर तीर्थ में क्यों जाते हैं स्नान करने के लिए, तीर्थ को तीर्थ तो देने के लिए, क्यों तीर्थ में जो लोग जाकर के स्नान करते हैं वो तीर्थ सारे पाप ले लेता है, उसको मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो तीर्थ पवित्र कैसे होगा, वैष्णव का इतना शक्ति इनका चरण स्पर्श से सही वो तीर्थ का सारे पाप को ये ग्रहण कर लेते, इतने वैष्णव की इतने महिमा है। इसलिए श्री महाप्रभु हरिदास ठाकुर का समाधि उन्होंने खुद दिए अपने हाथों से, अपने हाथों से दिए,
भगवान इसको अपना गोद में उठा करके ले जाए। अभी तक देखा है भगवान किसी राम किसी भक्तों को नहीं तो कृष्ण किसी भक्तों को अपना गोद में उठा करके ले जाते, लेकिन भगवान स्वयं हरिदास ठाकुर जी को अपना गोद में उठा करके ले जाते हैं। शिक्षा क्या देते हैं? शिक्षा ये देते हैं जो ये हरिनाम को अपना जीवन में सर्वस्व बनाए हैं, तीन तीन लाख को हरिनाम करते थे, तीन तीन लाख, इसलिए महाप्रभु इनका उपाधि दिया नामाचार्य। नामाचार्य मतलब जो नाम का आचार्य। अगर हमें भगवत प्राप्त करना तो किसके आदर्श ग्रहण करनी चाहिए? बोले हरिदास ठाकुर का आदर्श लेनी चाहिए, इनका आदर्श लेनी चाहिए। भगवान कब मिलेंगे? भगवान कब मिलेंगे? भगवान तभी मिलेंगे हमें जब हमारे एक सेकंड के लिए भी हमारी मन भगवान को छोड़ करके जब कोई और विषय को चिंतन नहीं करे, एक सेकंड के लिए भी। इसलिए भावावस्था की जो लक्षण बताया, प्रेमावस्था की जो माधुर्य दादम ने जो लक्षण बताया, उसमें भावावस्था का क्या लक्षण है, प्रेमावस्था का क्या लक्षण है, एक सेकंड के लिए भी साधक का मन भगवान को छोड़कर कभी नहीं जाता है। इसलिए इसका प्रमाण ये हरिदास ठाकुर को दिखाया। जो दिन में अगर हम सोलमाला करते हैं ना, लेकिन दिन भर करते करते सोलमाला गलत नहीं कर पाते, अगर 32 माला करते करते और लाख माला करते तो रात का कोई 12 बजे तक कोई 11 बजे तक जा करके इसी तरह से खत्म करते हैं। लेकिन इन्होंने कितना नाम करते थे? तीन तीन लाख हरिनाम करते थे। एक बार करके देखो, तीन तीन लाख हैं, तीन तीन लाख हरिनाम कर, क्योंकि इनके जीवा पर भगवान स्वयं नाम स्वयं उदित होता है। हमारा अंगुल दर्द हो जाएगा, जीवा हैं व्यथा हो जाएगा, लेकिन ये जो हरिनाम करते थे नाम स्वयं इनको जीवा के ऊपर में उदय होते थे। इसलिए ये आदर्श देकर गए, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो क्या करनी चाहिए, नाम को ही अपना जीवन का सर्वस्व बनाओ। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कौन कितना शुद्ध वैष्णव है हम पहचान किया, बोले जो जितना शुद्ध हरिनाम करता है वो उतना परिमाण में ही उतना बड़ा वैष्णव है। इसका आदर्श श्री हरिदास ठाकुर। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जाति कुल निरर्थक यहाँ बुझाते हरिदास जन्म लेन जवन कुल। कहते इन्होंने ये जवन कुल में क्यों जन्म लिया? कारण क्या? अपने कारण है भगवान की भक्ति में जात कुल का कोई विचार नहीं। जई भजे सही बड़ा अभक्त ये विचार, कृष्ण भजने नहीं जाती कुलादि विचार। भगवान के भजन में कोई जात कुल का कोई विचार नहीं। जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। इसलिए हरिदास ठाकुर जी ने ये चीज को उन्हें शिक्षा देने के लिए इन्होंने श्री जवन कुल में जन्म ग्रहण किए और महाप्रभु को उन्होंने खूब सेवा की। और इनका तिथि में महाप्रभु को यहाँ पर अपना हाथों से समाधि दी, अपना हाथों से समाधि दी। और भगवान इन्हीं के लिए उन्होंने आनंद बाजार में गए, स्वयं झोली फैला करके इनके लिए भिक्षा मांगी महाप्रभु। केवल इतना नहीं, भक्तों को बैठा करके महाप्रभु अपना हाथों से खिलाया। महाप्रभु उदाहरण देते हैं, महाप्रभु का हाथ छोटा हाथ नहीं, जब चावल देते हैं ना कैसे देते हैं, ऐसे हाथ में ऐसे देते हैं चावल। जगन्नाथ जी का प्रसाद को पात्र में नहीं, हाथ में देते। अब महाप्रभु का हाथ तो बड़ा है ना, जब महाप्रभु ऐसे हाथ में उठाकर चावल देते हैं ना, तब तीन तीन आदमी का भोजन एक साथ में इतना चावल होता है। महाप्रभु इनके उत्सव में स्वयं भिक्षा करके सारे भक्तों को बैठा करके महाप्रभु प्रसाद दिलाया और उन्हें वरदान किया। हरिदास ठाकुर जी के निर्जान ने उनको जो साथ में गया, जो समुद्र में उनके साथ जो स्नान कराया, इनको जो रोटी दिया, यहाँ तक भी इनकी उत्सव में जो केवल प्रसाद से बन गया, मैं उनका आशीर्वाद देता हूँ उनको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई। इसलिए भगवान हरिदास ठाकुर के द्वारा बहुत सारी शिक्षा दिया, विशेष करके और एक शिक्षा दिया। देखो ये चीज़ को अपना गांठ बांधना, अपना गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर इतना अगर गांठ बांध लिया ना, फिर जिंदगी भर भजन होगा। इनको द्वारा उन्होंने क्या शिक्षा दिया, महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनि चैन तर रवि सहिष्णुना अमानीनांग मान देन कीर्तनीय सदा। इसलिए अगर हरिनाम करना तो ये चार गुण आनी चाहिए हैं। पहला नंबर त्रिन से भी ज़्यादा दीनहीन होनी चाहिए हैं, पेड़ से भी ज़्यादा सहिष्णु। ऐसे नहीं थोड़ी सी कोई गुरु वैष्णव कुछ बोल दिया, तो हम साधारण घर के आए, हम इतने बड़े लिखे पड़े, हमारे घर में किसी चीज़ कमी नहीं, जो माला झोली हम तो जा रहे हैं।
लेकिन इनको 22,000 में पिटाई हो गई, 22,000 में पिटाई हो गई, शरीर का सर छाल निकल गया। लास्ट में क्या कहती है, भगवान बड़े दयालु, मैंने इन्हीं कानों से भगवान की बुराई सुना ना, निंदा सुना, इसलिए भगवान थोड़ी सी दंड दे चुके। इतना बड़ा सही सुन पिटाई होने का बाद में भी ऐसे दिन ही भावना इनके अंदर में। लेकिन हम लोग अगर कुछ पिटाई की तब बात छोड़ दो, अगर थोड़ी सी कोई बोल दिया ना, एकदम क्रोध में आ जाते हैं। हम साधारण व्यक्ति थोड़ी है, हैं, हम मंदिर में इसलिए आए हैं, समझ रहे हो। इसलिए कहते ये चीज़ इनका जीवन में हाँ, जो त्रिनाथ जब सुनी चने जो श्लोक है, कहते हरिदास ठाकुर जी साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है, मूर्तिमान स्वरूप। इसलिए हरि नाम करना तो इनका आदर्श ग्रहण करनी चाहिए। त्रिनाथ जब सुनी चर सही सुनो, ये चीज़ को अपना जीवन में उतार करके और हर समय क्या करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम लोग सब हरिदास ठाकुर का चरण में प्रार्थना करो कि हरिदास ठाकुर जी, आप जैसे त्रिनाथ जब सुनी जिस लोगों का आदर्श है, जैसे आप 3,000,000 हरिनाम करते थे, शुद्ध हरिनाम करते थे, इसलिए आप हम लोगों को गर्व की कृपा करें, हम कभी ऐसे नाम का आस्वादन कर पाए और नाम के प्रति हमारी रुचि हो। ठीक है, बोले श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय, पिताइ गौर प्रेमानंदे हरि हरि सर फिनिश चलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।